हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत टेस्टी डिश जिसका नाम है वॉफल। ये बहुत इजी टू मेक डिश है। इसके लिए हमको कोई वेफल स्टैंड नहीं चाहिए, इसमें हमें सिर्फ एक अपम स्टैंड चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए, हम इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। मैंने यहाँ पे एक कटोरी मैदा लिया, उसमें डाला है पिसी हुई चीनी। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सम सॉल्ट। आफ्टर दैट मैंने इसमें घी ऐड किया है। आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। हम मिक्स कर लेंगे इसे फिर से थोड़ा और। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। हमें एक साथ सारा पानी नहीं डाल देना है, हम धीरे धीरे करके पानी को डालेंगे और हम उसको मिक्स करेंगे। हमें याद रखिए इसमें लम्ब्स नहीं होने चाहिए एक भी, और हम उसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और पानी ऐड कर लेंगे हम इसमें, और हम उसे फिर मिक्स करेंगे। एकदम फाइन बैटर हमको इसका बना लेना है, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का बैटर मिलेगा, बिल्कुल फाइन बैटर है ये, देखिए। अब हम लेंगे अपम स्टैंड। मेरा अपम स्टैंड नॉन स्टिक है, इसलिए मैं उसको ग्रीस नहीं कर रही हूँ। अगर आपको नॉन स्टिक नहीं है उसे ग्रीस कर लें। उसके बाद अपने बैटर को इस तरीके से फैला लें, अच्छे से चारों तरफ से अपने बैटर को फैलाएं, जिससे कि आपका वॉफल टूट ना जाए। कोई भी जगह रह जाएगी तो आपका वॉफल टूट सकता है, याद रखिए। लो फ्लेम पे भी रख के उसे फैलाते रहिए अच्छे से। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम प्रोसेस को फॉलो करें, अच्छे से फैलाएं सब जगह और लो फ्लेम पे उसे बनने दें कम से कम 2 से 3 मिनट तक। चेक करते रहें बीच बीच, 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए और उसके बाद आप इसको उतार सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, और साइड से आप उसको कट कर लीजिए जिससे कि निकलने में आसानी हो। उसके बाद आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। इस तरीके का आपको कुछ वॉफल मिलेगा। कितना सुंदर लग रहा है ये। आप इसे अब बीच में से कट कर लीजिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अच्छे से कट करें, ध्यान से करें ये टूट ना जाए। इस तरीके से आपको कर लेना है 2 पार्ट में डिवाइड। उसके बाद सीधा करके आप इसके अंदर चॉकलेट डाल सकते हैं अच्छे टेस्ट के लिए। मैंने यहाँ पे हर्षी सिरप की चॉकलेट यूज़ की है। अच्छे से मैंने उसको स्प्रेड कर लिया है अपने वॉफल पे और इस तरीके से उसको बना दिया है। उसके ऊपर से भी मैंने इसमें कुछ चॉकलेट ऐड करी है अच्छे से उसे गार्निश करने के लिए। और आप इसे सर्व कर दीजिए वनीला आइसक्रीम के साथ या जो भी आइसक्रीम आपको अच्छी लगती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और दिखने में भी टेस्टी लग रहा है, एकदम लाजवाब है और खाने में भी बहुत यमी है। And it's ready. If you like my video, please like, comment, share, and don't forget to subscribe my channel for new dishes. Thank you.